हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 की विषय गणित अध्याय 14 गुणनखंड प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से हल करना सीखेंगे। इसमें लिखा देखो, सार व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका पहला सवाल हमारे पास में 12x ठीक है कोमा 36, इसका सार व गुणनखंड हमको ज्ञात करना है बच्चों। तो देखो कैसे करेंगे हम। अब देखो, ये पहली संख्या हमारे पास में कितनी है 12x और दूसरी संख्या हमारे पास में कितनी है 36, ठीक है। अब देखो 36 में 12 का भाग जाता है, इसका मतलब ये 12 में भी 12 का भाग जाता है एक बार, तो 12 को लिखेंगे 12 गुणा 1 और गुणा x। अब 36 को 36 में 12 का भाग जाता है, 12 में 12 का भाग एक बार जाता है, तो मैंने 12 को लिखा 12 गुणा 1। 36 में 12 का भाग जाता है कितनी बार, 3 बार, तो 36 को लिखूंगा 12 गुणा 3। तो देखो इस 12x को हम लिख सकते हैं 12 गुणा 1 गुणा x, तो इनको गुणा करने पर आता है 12x। 36 को लिख सकते हैं 12 गुणा 3, तो 12 को 3 गुणा 36 आ गया। अब हमें छांटना है सार व गुणनखंड। सार का मतलब इसमें और इसमें समान संख्या कौन सी है बच्चों, समान गुणनखंड है। तो देखो बच्चों, ये 12 यहां भी मिल गया, यह 12 यहां भी मिल गया, बाकी ये 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये 12 क्या हो गया, सार व गुणनखंड हो गया। तो हम लिखेंगे इसलिए सार व गुणनखंड बराबर 12। क्वेश्चन 2 क्या लिखा है इसमें, 2y कोमा 22 एक्स वाई, राइट। इसमें भी सार गुणनखंड छांटना है, तो पहली संख्या क्या हमारे पास है 2y और दूसरी क्या हमारे पास है 22 का एक्स वाई। 22 में 2 का भाग जाता है 11 बार और 2 में 2 का भाग जाता है एक बार, कहने का मतलब दोनों संख्या में 2 का भाग जाता है, तो 2 में 2 का भाग एक बार जाता है, तो लिखेंगे 2 गुणा 1 और ये y। 22 में 2 का भाग 11 बार जाता है, तो 2 गुणा 11 गुणा एक्स और गुणा वाई, राइट। अब देखो सर क्या क्या मिलता है, ये 2 यहां भी है, ये 2 मिल गया, ये y यहां भी है और यहां भी है, तो 2y हमारा क्या गया, सार व गुणनखंड। तो हम लिखेंगे यहां पे सार व गुणनखंड, बड़ा ही सरल सवाल है बच्चों, सार व गुणनखंड, ये 2 को y से गुणा करेंगे 2y, ये इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इसका दूसरा बता दिया हमने आपको ये पहले का। अब तीसरा, ये लिखा 14PQ कोमा 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये लो। अब देखो यहां पे 14PQ ये पहली संख्या, दूसरी 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 14 में 28 से 14 का भाग जाता है, 14 में 14 का भाग एक बार जाता है, तो 14 गुणा 1 पी का पी गुणा क्यू, 28 से 14 का भाग दो बार जाता है, तो 14 गुणा 2 पी को दो बार लिख दीजिए और क्यू को भी दो बार लिख दीजिए। तो देखो सार व गुणनखंड में छांटना है, इसलिए सार व गुणनखंड 14 यहां भी और यहां भी है, तो 14 आ गया।
पी यहां भी है और यहां भी, एक एक बार ले लो आप, एक क्यू यहां भी और यहां भी है, तो क्यू एक बार ले लो, एक पी यहां का पी मिल गया, इस पी को छोड़ देना, एक क्यू यहां का मिल गया, इस क्यू छोड़ दिया पी क्यू, तो ये आ गया 14 PQ, राइट। अब देखिए बच्चों, इसी प्रकार हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर इसका चौथा देखो, इसमें लिखा है 2x, 3x², 4। तो देखो 2x है, इसको लिखेंगे हम 2 × 1 × x, ये है हमारे पास 3x², इसको लिखेंगे 3 × 1 × x, को दो बार लिख देंगे क्योंकि x की घात 2 है, ये हमारे पास 4 है, 4 को लिखेंगे 2 × 2। अब देखो हमारे पास 2 यहां पे है लेकिन यहां पे नहीं है, तो 2 को छोड़ दो, 3 को छोड़ दो। अब x यहां पे हमारे पास, देखो तो 1 भी लिखेंगे यहां पे, 4 को लिखेंगे 2 × 2 × 1, ठीक है। अब देखो हमारे पास 2 यहां पे है लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 को छोड़ देंगे, 1 यहां 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 तीनों जगह है, तो इसका सार्व गुणन क्या हो जाएगा, 1 सार्व गुणनखंड बराबर 1, राइट। अब देखो बच्चों इसी प्रकार सवाल नंबर इसका हम लिखेंगे 5, इसमें लिखा 6ABC 24AB² 12A²B। अब देखो बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 5, ये लिखा है 6ABC 24AB² 12A²B, यानी 6ABC 24AB² 12A²B, इसका भी अपन को क्या ज्ञात करना है, सार्व गुणनखंड, समान गुणनखंड। देखो बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे, ये 6ABC, 6 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड 2 × 3, राइट, फिर 1 का a गुणा b गुणा c, सबको मैंने गुणा में लिख दिया। अब ये लिखा है 24AB² 24AB² अब देखो यहां पे 6 का भाग इन तीनों में जाता है, 6 में भी जाता है, 24 में भी, 12 में, तो इसका सरल तरीका, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ध्यान देना, इसको हम लिख सकते हैं 6 × 1, और सरल हो जाएगा आपका। देखो बच्चों ये 6 × 1, ये क्या लिख दिया हमने, 6 × 1। अब 24 में 6 का भाग 4 बार जाता है, तो लिखेंगे 6 × 4, इसको a का a, b को दो बार लिखेंगे b × p, अब ये 12A²B लिखेंगे हम, 12A²B, 12 में भी 6 का भाग जाता है, देखो 6 में 6 का भाग एक बार जाता है, इन तीनों में 6 का भाग जाता है, यहां तो लिखेंगे 6 में 6 का भाग एक बार, तो 6 × 1, 24 में 6 का भाग जाता है 4 बार, तो 6 × 4, 12 में 6 का भाग 2 बार, तो 6 × 2, फिर a × a × b, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे इसका सार्व गुणनखंड, इसलिए सार्व गुणनखंड, देखो 6 यहां भी 6 है, यहां भी 6 है और यहां भी 6, 6 आ गया, a कितने बार है, एक बार, यहां एक बार, यहां दो बार, तो a को एक बार लिख दो आप, b यहां एक बार, यहां दो बार, यहां एक बार, तो एक बार लिख दो, तो एक एक बार, एक बार इसे मिल गया, एक बार इसे मिल गया, एक बार इसे मिल गया, जो बाकी बच गया तो छोड़ दो। अब c यहां पे लेकिन यहां पे नहीं है, तो c को छोड़ दो, मतलब इन तीनों में समान से क्या मिल गई, देखो ये 6 मिल गया, राइट, यह a मिल गया, अब बाकी b यहां पे है, यहां पे लेकिन यहां पर भी है, ये b मिल गया, अब c यहां पे लेकिन यहां पे नहीं है, b यहां पे लेकिन यहां पे नहीं है, इसका मतलब क्या क्या मिल गया, 6AB, इनको गुणा कर लेंगे बच्चों, तो 6AB इसका सार्व गुणनखंड आ गया, जिसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स,
राइट। अब देखो बच्चों, इसी प्रकार इसका सवाल नंबर 6 मैं आपको सिखाऊंगा। इसमें लिखा है 16x³ कोमा माइनस का 4x² कोमा 32x, ये लो। पहली संख्या हमारे पास में 16x³, दूसरी हमारे पास में है 4x² और तीसरी हमारे पास में 32x। इन तीनों ही संख्या में किसका भाग जाता है? 4 का। देखो सबसे छोटी संख्या 4 है, 4 का भाग 4 में भी जाता है, 4 का भाग 16 में भी जाता है और 4 का भाग 32 में भी जाता है। अब कितनी बार जाता है वो गुणा में लिख देंगे। 16 में 4 का भाग 4 बार जाता है तो 4 × 4, एक्स को 3 बार लिख देंगे, एक्स को 3 बार, ये लो। फिर देखो हम लिखेंगे ये माइनस का माइनस 4 × 1, राइट, एक्स को लिखेंगे 2 बार। अब 32 4 का 8 बार जाता है तो 4 × ये हो जाएगा हमारे पास में 8 × x। अब देखिए बच्चों हमारे पास में कि यदि हम अब ये माइनस का 4 तो मैं इसको माइनस का कर सकता हूं, कोई फर्क थोड़ा पड़ता है कि मान लो मैंने इसका माइनस कर दिया, ये माइनस 1 तो यहां से माइनस हट जाएगा। अब क्या क्या हमारे पास आ गया, देखो ये 4 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, बाकी ये मिल, ये तीनों संख्या नहीं मिली छोड़ दो आप, ये x मिल गया, ये x मिल गया, ये x मिल गया, बाकी छोड़ दो आप, ये दोनों यहां बच गए लेकिन यहां पे नहीं है, ठीक है। जो जो मिल जाते हैं तीनों में लिख दो, 4 इसमें 4 एक बार मिल गया, यहां x एक एक बार मिल गया, तो हम क्या लिखेंगे, सार्वगुणनखंड। इसलिए सार वो गुणन क्या प्राप्त हुआ, ये 4 × x बराबर क्या प्राप्त हुआ हमको, 4x, ठीक है बच्चों। तो ये हमको क्या प्राप्त हो गया, इसका 4x प्राप्त हो गया गुणनखंड। अब देखो तो नेक्स्ट 7 नंबर 10PQ ये कोमा है यहां पे, 20QR 30RP का सार्व गुणनखंड हमको निकालना, कॉमन फैक्टर, तो ये क्या हमारा 10PQ, ठीक है, ये हमारा क्या 20QR, ये हमारा क्या 30RP, राइट। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 10, और 10 का भाग 10 में भी जाता है एक बार, 10 का भाग 20 में जाता है 2 बार, 10 का भाग 30 में जाता है 3 बार, तो 10 को मैं क्या लिखूंगा बच्चों, 10 × 1 फिर p × q। 20 में 10 का भाग 2 बार जाता है, 10 × 2 × q × r। 30 में 10 का भाग जाता है 10 × 3 × r × p, राइट। अब हम लिखेंगे इनका सार्व गुणनखंड, इसलिए सार्व गुणनखंड। देखो क्या क्या मिल रहा है यहां पे, ये 10 मिल गया हमारे पास है तीनों में, राइट, बाकी ये p इसमें है लेकिन इसमें नहीं तो छोड़ दीजिए, q इसमें है लेकिन इसमें नहीं तो बाकी छोड़ दीजिए, r इसमें दोनों में इसमें नहीं है, तो कह रहे हैं इस तीनों में संख्या क्या मिली, केवल 10 मिली, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, तो सार्व गुणनखंड हमारा प्राप्त हो गया बच्चों 10, भूल मत जाना। आज हमने सीख लिया सार्व गुणनखंड ज्ञात करना, क्योंकि इसी प्रकार हम आगे के सवाल भी हल करेंगे बच्चों, आई बात समझ आपको। तो मैंने आज आपको इस पहले सवाल के कुल मिला के 7 सवाल सिखा दिए, और मैं आशा कर सकता हूं बच्चों कि आज बताए गए ये सभी 7 सवाल आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आप इनको अपनी नोटबुक में उतारना और प्रैक्टिस करना। अब इस पहले का एक सवाल देखिए, सवाल नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसमें लिखा है 3x²y³, 10x³y², 6x²y²z। ये एक सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया है, ये तो सारे तो बाकी मैंने सोल्व करा दिए साथ तक। ये एक सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया है, सवाल नंबर 8, 3x²y³, 10x³y² 6x²y²z। ये सवाल आप स्वयं हल करना जैसे मैंने आपको सिखाया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में इस प्रश्नावली का अगला सवाल नंबर 2 मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।